कहते हैं कि जिंदा रहने की जिद से बड़ी जिद इस दुनिया में कोई नहीं होती, क्योंकि बेहद कठिन समय में ही इंसान अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है और वो कर गुजरता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे जाबाजों के बारे में जिन्होंने बेहद कठिन समय को मात देके खुद की जान बचा ली। लेट्स बिगिन। एरन रॉल्स्टन। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हो तब शायद आप एरन रॉल्स्टन के बारे में जानते होंगे। अरे नहीं दोस्तों, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। असल में एरन के साथ हुई दुखद घटना पर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 127 आवर्स। इस फिल्म की तरह ही एरन के खुद के बचाने की कहानी भी अद्भुत है। एक दिन एरन ब्लू जॉन कैनियन की सैर कर रहा था, तभी एक बड़ा सा पत्थर की दो दीवारों से होते हुए एरन के हाथों पे आ गिरा। बाएं हाथ को छोटी मोटी चोटें आई लेकिन दायां हाथ पत्थर के नीचे बुरी तरह से फंस गया, जिसकी वजह से एरन बाहर नहीं निकल पा रहा था। समय का बहता हर कतरा एरन को याद दिलाता कि उसे घर जाना है, लेकिन एरन ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ फंसने के करीब 4 दिन बाद उसने अपना दाहिना हाथ काटने की सोची, लेकिन उसे मालूम था कि उसके पास हाथ काटने के लिए पर्याप्त औजार नहीं है। जब वो रात को सोया तो उसे सपना आया कि एरन अपने कटे हुए हाथों से अपने भविष्य में पैदा हुए बच्चे के साथ खेल रहा है। जब वो सुबह उठा तो उसने इस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाकर उसने किसी तरह अपना हाथ काट डाला और जिंदा बच गया। 5 दिन के इस अनचाहे सफर में एरन सिर्फ पानी की बॉटल और साथ में लाए हुए 2 बेरिटोस के सहारे ही जिंदा रहा। मोरो प्रॉस्पेरी। सहारा डेजर्ट में खेली जाने वाली मैराथन डेज सेबल एक ऐसी मैराथन है जिसमें स्पर्धकों को 233 किलोमीटर का प्रवास 6 दिन में पूरा करना होता है। 1994 में हुए इस इवेंट में एक बड़ी अनहोनी घटना हुई। मोरो प्रॉस्पेरी नामक स्पर्धक सैंड स्टॉर्म आने की वजह से अपना रास्ता खो बैठे। अपने मूल ठिकाने से सैकड़ों किलोमीटर दूर वो खो गए। अगले 9 दिन तक वो अपना ही मूत्र पीकर जिंदा रहे। जो भी जानवर उन्हें मिले, जैसे कि चमगादड़ हो या रेंगने वाले जानवर हो या कोई कीटक हो, इसे खाकर मोरो जिंदा रहे। हिम्मत हार जाने के बाद मोरो ने खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास भी नाकाम रहा। एक बार फिर हिम्मत जुटा के मोरो ने सोचा कि अब एक आखिरी प्रयास किसी गांव या शहर तक पहुंचने के लिए करता हूं। कुछ मील दूरी तय करने के बाद वो नीचे गिर गया, जहां उसे किसी ने देख लिया और उसे मिलिट्री बेस ले जाकर उसकी जान बचा ली गई। इस सफर में मोरो ने करीब 40 पाउंड इतना वजन खो दिया, लेकिन असाधारण हिम्मत ने उसकी जान बचा ली। स्टीवन कॉलहन। 29 जनवरी 1982 में स्टीवन अपनी बोट लेके चल पड़े एक सफर पे, लेकिन एक बेहद ही बुरी घटना घटने के लिए स्टीवन का इंतजार कर रही थी। सफर के 7 दिन बाद एक रात तूफान में कोई अनजान चीज स्टीवन के बोट से आ टकरा गई, जिस वजह से बोट ने काम करना बंद कर दिया। स्टीवन को लगा कि ये चीज कोई व्हेल मछली रही होगी। डूबती बोट से स्टीवन ने इमरजेंसी लाइफ राफ्ट को निकाला और उसमें सारी जीवनाश्मक चीजें भर ली। एक रात में ही वो अपनी बोट से काफी दूर चले गए। अब वो महज एक लाइफ राफ्ट में अटलांटिक महासागर में कुदरत की दया पर निर्भर इकलौते इंसान थे। कुछ ही दिनों में स्टीवन के पास का खाना और पानी समाप्त हो गया। अब वो अपने कौशल, जिंदा रहने की जिद और नसीब के भरोसे थे। स्टीवन ने फिशिंग करना और खारे पानी को पीने लायक बनाने की कुशलता सीख ली, और इसकी मदद से 79 दिन वो अकेले पानी में भटकते रहे। फिर कुछ मछुआरों द्वारा स्टीवन को बचा लिया गया। जूलियाना कोइप के। 1971 के क्रिसमस की शाम जूलियाना अपनी माँ के साथ प्लेन से होते हुए अपने पिता से मिलने जा रही थी। जब प्लेन हवा में था तब बिजली के हिट करने की वजह से प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। जूलियाना अपने सीट के साथ बाहर फेंक दी गई और सीधे नीचे अमेजॉन जंगल में आ गिरी। इस हादसे में जूलियाना की कई हड्डियां टूटी, उनके देखने की दृष्टि में कमी भी आई। अब ये तो तय था कि जूलियाना इस हादसे से बचने वाली इकलौती महिला थी। इतना होने के बावजूद जूलियाना चल पाने में सक्षम थी। जूलियाना को एक बात पता थी कि अगर किसी तरह वो पानी का स्रोत यानी कि नदी या तालाब ढूंढ लेती है तो उसके किनारे या आसपास कोई न कोई गांव मिल ही जाएगा। अगले 9 दिन तक वो यही करती रही और आखिरकार उसे पानी में एक बोट मिल गई और वो उसी बोट के पास रुक गई। बोट का मालिक वहाँ पहुँच गया और जख्मी जूलियाना को बचा लिया गया। ये कहानी साल 2000 में एक डॉक्यूमेंट्री द्वारा लोगों के सामने आई। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर थे वार्नर हर्जॉग। ये वही डायरेक्टर थे जिन्होंने उसी फ्लाइट की टिकट आखिरी वक्त पे कैंसिल कर दी थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।